वही मिली जरी तो मिली है तो साथ में फिर वो आए तो उन्होंने जन्नत पे हटा हटा के आंच बुझे भाई। उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जिस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जहां एक जलती चिता को ही हाथरस पुलिस ने पानी डालकर बुझा दिया। अब आपको हम पूरी खबर बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। दहेज की खातिर एक विवाहिता मौत की भेंट चढ़ गई। ससुरालियों ने विवाहिता की मौत के बाद सबको अकेले ही शमशान में ले जाकर जलाया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने जलती हुई चिता में पानी डालकर आग को बुझाया। पुलिस ने विवाहिता के अधजले शव को अवशेषों को चिता से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता की मौत के बाद सबको जलाने के बाद सभी ससुराली जन मौके से फरार हो गए। 3 महीने पहले मृतका की शादी हुई थी और दूसरी बहन उसी गांव में रहती है। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और नव विवाहिता की मौत के बाद पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। मृतका के परिजन भी घटना स्थल पर मौजूद थे। उन परिजनों का क्या कुछ कहना है, एक बार हम आपको वो सुनवा देते हैं। साथ में फिर वो आए तो उनने दंडन पे हटा हटा के आँच बुझवाई, पानी डलवा डलवा के बोतल से। किसने बुलवाई? पुलिस वाले। अच्छा, के पानी से इसको बुझाओ, अलग अलग साटते हड्डी हड्डी करो, बुझाइए, फिर जी सब पर फोन करो, फिर सारे लोग आए। पूरी घटना जिला हाथरस के सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव समदपुर की है, जहां दहेज के लालच के पीछे एक विवाहिता मौत की भेंट चढ़ गई। महज शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था कि कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई और उसके सब को ससुराली जन अकेले ही लेकर जलाने के लिए ले गए। जहां घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जलती चिता में पानी डालकर आग को बुझाया और वहां से अवशेषों को निकालकर सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौजूद रहे। अब पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुटी है कि आखिर महिला की मौत का कारण क्या था। माई जनते फोन करो, ललीन बेटी ने फोन करो। हाँ। गुड़िया ने। अच्छा, दूसरी मम्मी अपनी रजनिया मार के जराय दी जन्नी आ जा, तब हम आए भाई जरी मिली है।